नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं आपके साथ, मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें न्यूज 100 में। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, 3 जगह फायरिंग। मंगलवार देर शाम जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भी फायरिंग, नामला और बाज में रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हुई। उरी सेक्टर की फायरिंग में हनीफा बेगम नाम की महिला को गोली लगी है, 3 दिन में सीमा पार से फायरिंग का यह तीसरा मौका है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर 19 महीनों में एक बार भी घुसपैठ नहीं हुई, यह दावा बीएसएफ के एडीजी के शर्मा ने किया है। जम्मू में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर बीएसएफ आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करने जा रही है, 2 पायलट प्रोजेक्ट जम्मू में शुरू हो चुके हैं। भारत और चीन पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान, हेथर नॉट ने कहा भारत और चीन आमने सामने बैठकर सुलझाएं विवाद। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक मंगलवार को पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 और फिंगर 5 में घुसने की कोशिश कर रहे। घुसपैठ में नाकाम रहने पर चीनी सैनिकों ने पत्थरबाजी की, भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, दोनों तरफ से कुछ सैनिक घायल हुए। कोयला घोटाले में नवीन जिंदल पर आरोप तय करने के लिए आज सीबीआई कोर्ट सुनवाई कर सकती है। कोल ब्लॉक केस में केंद्रीय जांच एजेंसी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। स्वतंत्रता दिवस पर चंडीगढ़ में 12 साल के नाबालिग से रेप वारदात सेक्टर 23 के चिल्ड्रन पार्क की है। 12 साल की छात्रा को स्कूल जाते वक्त अगवा किया गया, आरोपी की पहचान के लिए पुलिस पार्क और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सभी दलों ने ताकत झोंकी, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी वेद प्रकाश के लिए प्रचार किया, 23 अगस्त को है वोटिंग। दिल्ली सरकार ने 8वीं तक छात्रों को फेल न करने की नीति को शिक्षा व्यवस्था के लिए गलत बताया, दिल्ली में इस साल 10वीं में 60,000 से ज्यादा छात्र फेल हुए हैं। बिहार में बाढ़ के हालात और बिगड़ सकते हैं, मौसम विभाग ने आज बिहार में कुछ जगहों पर भारी बारिश की आशंका जताई है। बिहार के अलग अलग इलाकों में बाढ़ से 56 लोगों की मौत, 13 जिलों के करीब 70 लाख लोग प्रभावित हैं। नेपाल से बिहार आने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में हालात गंभीर हैं। मधुबनी में महाराजी बांध टूटने से 12 गांव बाढ़ की चपेट में, कई गांव से संपर्क टूटा, बेनीपट्टी से सीतामढ़ी तक यातायात ठप। मगा में गंडक नदी 21 साल बाद खतरे के निशान से ऊपर, चितवन जंगल से 4 गेंडे बहकर आए। गोपालगंज में बाढ़ से हालात बद से बदतर, 36 घर बहे, बाढ़ पीड़ित ने तैरकर बचाई जान। बिहार के सुपौल में कोसी नदी में 6 लोग डूबे, 4 लोगों की मौत, एक बच्ची की हालत गंभीर। दही हांडी समारोह में पिरामिड बनाने के दौरान मुंबई में 45 गोविंदा घायल, 2 युवकों की मौत हुई। पालघर में 21 साल का युवक मानव पिरामिड से गिरकर घायल हो गया, अस्पताल ले जाते वक्त मौत हुई। एरोली में भी एक गोविंदा की जान चली गई। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के कॉन्सर्ट पर विवाद, कार्यक्रम के लिए 51,000 रुपए का टिकट रखा गया था, कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगा। महाराष्ट्र और एटीएस ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का एक वीडियो जारी किया है, सभी समुदाय से सहयोग की अपील की गई है। दिल्ली के मंडी हाउस में बाइक रेस से हादसा, 24 साल के युवक की मौत। दिल्ली में कृष्ण लीला कार्यक्रम में फायरिंग, गोली लगने से नाबालिग बच्ची घायल। दिल्ली में डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया रोकने की कोशिश तेज, एक हफ्ते में डेंगू के 133 नए मामले सामने आए। पुणे में एक लड़के ने 20 साल की युवती से छेड़खानी की, पुलिस केस दर्ज कर आरोपी तलाश कर रही है। बिहार के भोजपुर में उल्टा तिरंगा फहराया गया, गलती पर नहीं गया किसी का ध्यान। गोपालगंज में एक छात्र के सवाल पर भड़के विधायक मोहम्मद नेमतुल्लाह, आरजेडी विधायक का वीडियो वायरल हुआ। चतरा में उग्रवादी संगठन जेपीसी के जोनल कमांडर ने तिरंगा फहराया, माओवादियों को भगाने का संकल्प लिया। लद्दाख में सूरत से आई महिला बाइकर्स ने तिरंगा फहराया, जयवर्धन राठौड़ भी मौजूद रहे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर विशेष लेजर शो का आयोजन, मुंबई के इतिहास की जानकारी अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर की आवाज में दी गई। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के काफिले पर हमला, बाल बाल बच्चे सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी साथ थे। सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ को लेकर विवादित बयान दिया, कहा नेताओं को नदी में फेंकने की जरूरत। आज बेंगलुरु में इंदिरा कैंटीन लॉन्च करेंगे राहुल गांधी, 5 रुपए में मिलेगी थाली। बच्चों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले गेम ब्लू वेल पर सरकार ने रोक लगाई, दुनिया भर में अब तक 250 मौतें हो चुकी हैं। चेन्नई में डीएमके प्रमुख करुणानिधि कावेरी अस्पताल में भर्ती, पेट दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया,
स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना को एयर इंडिया का तोहफा, सैन्य कर्मियों को बोर्डिंग की प्राथमिकता देना शुरू किया। शहीद उमर फयाज के नाम पर हुआ आर्मी का स्कूल, सेना ने परिवार से ही उद्घाटन भी कराया। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या में शामिल लोगों की पहचान हुई। लेफ्टिनेंट जनरल जे एस संधू ने कहा, हथियारों को पकड़ने की कोशिश जारी। यूपी के मेरठ में स्वाइन फ्लू से 8 लोगों की मौत, 13 अस्पताल तक 700 मामले दर्ज। यूपी में स्वाइन फ्लू की वजह से सरकार ने सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना अस्थायी रूप से रोकी, डीएम को निर्देश जारी किया गया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, पीएम मोदी के न्यू इंडिया के मिशन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करना होगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा सिरसा के सतनाम जी धाम पहुंचे, गुरमीत राम रहीम सिंह के जन्मदिन में शामिल हुए। डॉक्टर चंद्रा हरियाणा के हिसार में यादव सभा की तरफ से आयोजित जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल हुए। झुंझुनू में कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार का दावा है कि शोर शराबा करने वाले पार्टी कार्यकर्ता नहीं बल्कि कुछ बाहरी लोग थे। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे 12 पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को कुचल दिया। बाइक सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के डूंगरपुर में एसीबी ने एसआई को 19,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। उसे आज उदयपुर एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीकर के श्रीमाधोपुर में कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान कुएं का पिलर गिर गया, इसमें दबकर एक युवक की मौत हो गई। अजमेर के किशनगंज इलाके में गैस की रिफिलिंग करते वक्त आग लग गई, इस हादसे में 3 लोग झुलस गए। सीकर के एक गांव में बिजली का काम करते वक्त लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर में नकली नोट चलाने वाले 4 शातिर पकड़े गए, इनके पास से 84,000 के नकली नोट मिले हैं। चारों बदमाश नकली नोट चलाने के लिए बिहार से राजस्थान आए हुए थे। झालावाड़ पुलिस ने आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। इस गैंग के 3 सदस्य अलग अलग इलाकों से पकड़े गए। राजस्थान के चुरू में बस और पिकअप वैन की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, एक घायल को जयपुर रेफर कर दिया गया है। जयपुर के नवसारी में बीच पर नहाने गए 5 युवक समंदर में डूब गए, 2 शव बरामद कर लिए गए हैं, बाकी की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में 43 स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, वोटों की गिनती सुबह 9 बजे से शुरू। 14 जनपद पंचायत सदस्य, 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए भी वोटिंग की गिनती आज की जाएगी, इनके लिए 11 अगस्त को वोट डाले गए थे। मध्य प्रदेश के सतना में शोभा यात्रा के दौरान बजरंग दल का हंगामा, समर्थकों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। एमपी के सीहोर में किन्नर का भेष बनाकर वसूली करने वाले कुछ लोगों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, बाद में बाल कटवाकर और वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। बीजापुर में महिला नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए महिला कमांडो दस्ते का गठन किया गया, इसका नेतृत्व छत्तीसगढ़ के बस्तर में गांव वालों ने नक्सलियों की धमकी के बाद तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा न फहराने का फरमान जारी किया था। बिहार के किशनगंज में बाढ़ से तबाह हुए एक परिवार ने मदद के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई। आरोप है कि स्थानीय प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। बिहार के दानापुर में शराब के नशे में धुत बदमाशों ने थानेदार पर कार चढ़ाने की कोशिश की, बाद में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दानापुर में 2 गुटों के बीच हुई कहासुनी, मारपीट में बदल गई, मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने मामले को शांत कराया। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने पेट्रोल पंप से 13 लाख की लूट की, 6 बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए इनकी तलाश शुरू कर दी गई है। बिहार के कैमूर में सेल्फी खिंचवाने के चक्कर में युवक की मौत, पैर फिसलने से कुंड में गिरा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली ने हमला किया, आईईडी ब्लास्ट में एक जवान को चोट आई, उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 2 साल का एक बच्चा 15 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया, एनडीआरएफ की टीम बच्चे को निकालने की कोशिश में जुटी हुई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में माशूल नाला में बस गिरी, 5 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पत्थर गिरे, मलबे की वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप। मथुरा के वृंदावन में जन्माष्टमी का जश्न, भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, चंद्रोदय मंदिर में जय कन्हैया लाल की जयकारे गूंजे। भोपाल में जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के घर पर जश्न, परिवार के साथ पूजा अर्चना की। दिल्ली के बिरला मंदिर में जन्माष्टमी का जश्न, हजारों भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर का कपाट 31 तोपों की सलामी के साथ खुला, झांकी को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।
अजमेर में जन्माष्टमी के मौके पर झांकियां सजाई गई, स्कूली बच्चे ने कृष्ण की लीला दर्शन की कोशिश की। गुवाहाटी के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम, हजारों श्रद्धालु पहुंचे और कृष्ण की पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जन्माष्टमी का जश्न, आर्मी कैंप में नंदलाल की जयकारे गूंजे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, नेपाली वर्कर समाज ने उत्साह से पर्व मनाया। जन्माष्टमी मनाने के लिए दिव्यांग भी पीछे नहीं रहे, सूरत में बढ़ चढ़कर दही हांडी के उत्सव में इन्होंने हिस्सा लिया। शिरडी में साईं मंदिर में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया, आरती से पहले फोड़ी गई दही हांडी। नेपाली में भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 115 लोगों की मौत, अभी भी 38 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट। बोलिविया में कपड़ों से लदे एक ट्रक में लूट, नाराज ड्राइवर ने ट्रक में आग लगाई। पुर्तगाल में पेड़ गिरने से 11 लोगों की मौत, हादसे में 35 लोग घायल, धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे लोग। नॉर्थ कोरिया को डिफेंस और मिसाइल तकनीक देने के आरोपों को यूक्रेन ने नकारा, यूक्रेन की कंपनी यूज मैश पर नॉर्थ कोरिया को डिफेंस तकनीक देने का आरोप। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने अमेरिकी द्वीप गुआम पर हमले की योजना की समीक्षा की, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से योजना पर चर्चा की और फैसले को टालने का फैसला लिया। ठाणे में दही हांडी के मौके पर फिल्म कैदी बैंड का प्रमोशन, 25 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। सुनील ग्रोवर के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू भी कपिल से नाराज, शो में अर्चना पुरन को जज बनाने से खफा।